ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का राज तिलक हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और उसका डटकर सामना किया। यूं तो प्रताप के रण कौशल और वीरता के कई हिस्से हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर हल्दी घाटी युद्ध के लिए जाना जाता है। ये युद्ध उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा था। युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को हुई थी। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। अकबर की सेना से प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1:4 का अनुपात था, लेकिन बावजूद इसके इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को धूल चटाई थी। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर देश का कथित बुद्धिजीवी तबका मानता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में अकबर की सेना के आगे कमजोर पड़ गए थे, पर इतिहास कुछ और ही कहता है। द ललन टॉप के अनुसार हल्दी घाटी को लेकर शोध करने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई ये मैं आपको कुछ प्रमाणों के आधार पर समझाता हूँ। जब मुगल सेना ने हल्दी घाटी के लिए कूच किया था, तब अकबर का सख्त निर्देश था कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़ सकी और ना ही मुर्दा। दूसरा प्रमाण, जब मुगल सेनापति मानसिंह युद्ध के बाद अकबर के दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। ड्योढ़ी बंद करना माने अब वो व्यक्ति राज दरबार में नहीं आ सकता था। अगर मानसिंह हल्दी घाटी में जीत कर पहुंचे होते तो अकबर उन्हें इनाम देते, फिर ड्योढ़ी क्यों बंद हुई? डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के इन प्रमाणों के आधार पर हल्दी घाटी युद्ध के ऐतिहासिक तथ्यों में बदलाव की मांग उठी थी। 9 मई 1866 को स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के प्रभावी नेताओं में से एक थे। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसी अधिवेशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भी पड़ी थी। बाद में जब नरम और गरम दल के बीच मतभेद पैदा हुए, तो 1907 में पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के बावजूद गोपाल कृष्ण गोखले ने गरम दल के नेता लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए अभियान चलाया था। गोखले ने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गोखले को अपना राजनीतिक गुरु, सलाहकार और मार्गदर्शक बताया है। गांधी ने गोखले के ऊपर धर्मात्मा गोखले नामक एक किताब भी लिखी थी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य, PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज, RKDF यूनिवर्सिटी। The ministry offices in Luton's Delhi, Hotel Janapath, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. 9 मई 1960 को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी दी थी। इस पिल का नाम इनोवीट 10 था, जिसे जीडी सर्ल नामक कंपनी ने बनाया था। इस बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं था। इसके लिए अमेरिकी महिला और बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर को काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था, साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1950 में सेंगर पहली बार जीव विज्ञानी ग्रेगोरी जी पिंकस से मिली। इस मुलाकात में उन्होंने पिंकस से ओरल बर्थ कंट्रोल पिल पर काम करने का अनुरोध किया। लंबे सोच विचार के बाद 1953 में पिंकस ने जॉन रोक के साथ मिलकर
बर्थ कंट्रोल पिल बनाने का काम शुरू किया। 29 अक्टूबर 1959 को फार्मा कंपनी जीडी सीरल्स ने बर्थ कंट्रोल पिल बनाने की मंजूरी के लिए अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन डाली। 1960 में आज ही के दिन एफडीए ने इसको मंजूरी दे दी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मार्गरेट सिंगर चाहती थी कि भारत में भी महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करें। इसके लिए सिंगर गांधी से मिलने भारत भी आई, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि गांधी बर्थ कंट्रोल पिल के इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। 9 मई 1947 को वर्ल्ड बैंक ने पहली बार किसी देश को लोन दिया था। 25 जून 1946 को वर्ल्ड बैंक ने जब आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू किया, तब बैंक के पास लोन के लिए पहली अर्जी फ्रांस की आई। फ्रांस ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन मांगा, जिससे फ्रांस में स्टील और कोल प्लांट्स का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। वर्ल्ड बैंक फ्रांस को सिर्फ $250 मिलियन देने को ही राजी हुआ था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। स्थापना के बाद से ही वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों की वित्तीय मदद करता आया है। कोरोना की पहली लहर से निपटने के लिए साल 2020 में भी वर्ल्ड बैंक ने कई देशों को फंड दिया था। 9 मई 1986 को नेपाली पर्वतारोही तेंजिंग नोग्रे का निधन दार्जिलिंग में हुआ था। 29 मई 1953 को तेंजिंग नोग्रे और एंडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। पूरी दुनिया में इस क्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर याद किया जाता है। इस अभूतपूर्ण सफलता के कारण हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है जो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। 28 मई को तेंजिंग नोग्रे और हिलेरी ने चढ़ाई शुरू की थी और 29 मई 1953 को दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का इतिहास रचा। उससे पहले वहां तक कोई नहीं पहुंच सका था। दोनों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बने थे।